एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मैथ्स वर्कशीट। इस वर्कशीट को फॉलो करके आप बच्चों को मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर कराएं। इससे वो काफी सारे टॉपिक्स एक ही वर्कशीट में कवर करेंगे और जब आप इस तरह से इंटरेस्टिंग वर्कशीट बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें सीखने का मौका मिलता है। सो आई होप इस वीडियो से आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट वर्कशीट में है फिल ऑल मिसिंग नंबर्स। नॉर्मली जब हम अपने बच्चों को नंबर्स लिखने के लिए कहते हैं तो वो काफी बोरिंग मैसेज करते हैं, पर अगर आप कुछ नंबर्स लिख कर दें और जो मिसिंग नंबर है सिर्फ वही फिल करने के लिए कहें तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर इसे करना चाहते हैं। तो आप इस तरह से मिसिंग एक्टिविटी बच्चों को जरूर कराएं। इसमें बच्चों को सभी मिसिंग नंबर्स फिल करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20। इस तरह से आप बाकी के भी नंबर्स बच्चों को फिल करने की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नेक्स्ट वर्कशीट इज काउंट द बिलो ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर नंबर नेम। यहाँ पर बच्चों को सभी ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और नंबर नेम्स में यहाँ पर फिल करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे 9 की, NINE 9। नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, लाइक दिस। एंड द नेक्स्ट वन इज कलर द बिगर वन ग्रीन एंड द स्मॉलर वन रेड। यहाँ पर बच्चों को जो बिगर इमेज है उस पर ग्रीन कलर करना है और जो स्मॉलर है उस पर रेड कलर करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ठीक इस तरह से हम इसे भी कलर कर लेंगे, ठीक इस तरह से। नेक्स्ट इज पुट अ टिक फॉर द बिगेस्ट एंड अ क्रॉस फॉर द स्मॉलेस्ट। इसमें बच्चों को आप इमेज कंपेयर करने के लिए कहें, जो बिगेस्ट है उस पर टिक करना है और जो स्मॉलेस्ट है उसे क्रॉस करना है। सो इसमें सबसे बिगेस्ट कौन सा है? सेकंड वाला, तो इसे टिक करेंगे, एंड द स्मॉलेस्ट थर्ड वन। फ्लावर्स में सबसे बिगेस्ट कौन सा है? थर्ड वन, तो इसे टिक करेंगे, एंड द स्मॉलेस्ट वन इज सेकंड, सो इसे क्रॉस करेंगे। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, इसमें बच्चों को मैचिंग एक्टिविटी के थ्रू सॉल्व करना है, जैसे 2 + 1, 3, तो इसके साथ मैच करेंगे, NINE 9, सो नंबर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो SEVEN 7, बिफोर 6, 5, आफ्टर 9, 10, TEN, लाइक दिस। राइट आफ्टर एंड बिफोर नंबर, इसमें बच्चों को आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर लिखना है। सो बिल्कुल इस तरह से आप नंबर लाइन के थ्रू बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। आफ्टर नंबर में उन्हें इस तरफ देखना है और बिफोर नंबर में उन्हें इस तरफ देखना है। सो ये वाला है आफ्टर नंबर। सो सबसे पहले बच्चे 6 के पास जाएंगे, 6 के आफ्टर कौन सा नंबर है? 7, तो 6 आफ्टर 7, आफ्टर 7 8, आफ्टर 3 4। यहाँ पर बच्चों को बिफोर नंबर लिखना है, तो 5 के पास जाएंगे और 5 का बिफोर नंबर 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। 7 का बिफोर नंबर 6, 1 का बिफोर नंबर 0। सो इस तरह से आप नंबर लाइन की हेल्प से बच्चों को आफ्टर एंड बिफोर नंबर की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। कंपेरिजन ऑफ दी नंबर्स, सो फर्स्ट वन इज सर्कल दी स्मॉलर नंबर। इसमें बच्चों को स्मॉलर नंबर सर्कल करना है, सो बिटवीन 7 and 8 विच वन इज स्मॉलर? 7, सो 7 को सर्कल करेंगे। बिटवीन 9 6 विच वन इज स्मॉलर? 6। 1 11, 1 इज ए स्मॉलर नंबर। सेकेंड वन इज टिक द बिगर नंबर, इसमें बच्चों को बिगर नंबर टिक करना है। इसमें आप बच्चों को बताएं कि जो नंबर पढ़ते वक्त बाद में आता है वो होता है बिगर नंबर, जैसे 5 6, तो कौन सा नंबर बाद में आता है? 6, तो 6 हो गया बिगर नंबर। 24 14, सो 24 बाद में आता है, सो 24 बिगर नंबर। 20 19
20 is bigger number. 17, 27. So, 27. Next is write tables. इसमें मैंने 2 तक के tables लिए हैं. आप भी बिल्कुल इस तरह से बच्चों को table की practice कराएं. जैसे 0 4 जा 0, 0 7 जा 0, 0 2 जा 0 and 0 10 जा 0. यहाँ पर 1 का table है. 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, 1 3 is a 3 and 1 8 is a 8. यहाँ पर 2 का टेबल मैंने लिया है. 2 1 is a 2, 2 4 is a 8, 2 2 is a 4. So, इस तरह से आप बच्चों को टेबल की प्रैक्टिस करा सकते हैं. Next is match number name. यहाँ पर बच्चों को स्पेलिंग्स रीड करनी है और उसे नंबर्स में यानी फिगर में लिखना है. जैसे O N E 1, T W O 2, T H R E E 3, F O U R 4, F I V E 5, S I X 6, T W E L V E 12, F I F T W E N 15 and 13. ठीक, इस तरह से. So, ये थी हमारी वर्कशीट. आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी. आप सभी को ये वर्कशीट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.